दोस्तों सबसे पहले तो आज जो आपको इंतजार करना पड़ा देरी हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आज आपके बीच में ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव जी सुभाषिनी यादव जी आपके बीच में हैं और अपने विचार रखेंगे मैं कैप्टन यादव से अनुरोध करता हूं अपनी बात रखें मेरे साथ हमारे साथी विनीत पुनिया जी और सुहासनी जी जो हमारे लेट श्री शरद यादव जी की बेटी हैं और आज हम लोग जो हैं आ, कुछ मुद्दा है कुछ मुद्दे हैं जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो पॉपुलरिटी बढ़ी और जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा देश के अंदर और जो नफरत की दीवार थी और जो भाईचारा जो उन्होंने कायम किया और जो प्यार की बात की उन्होंने भाईचारे की सौहार्द की बात करी और श्रीनगर में जाकर कन्याकुमारी से श्रीनगर जाकर जो उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और वहां का जो नौजवान है खुद तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेके और तिरंगा झंडा जो फहराया उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी एक तरीके से हड़बड़ाट से होगी कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाए थे और उसकी इमेज को खराब करने की हमने बात की थी उसने इस यात्रा के द्वारा जो पसीना बहाया उन्होंने चार हजार किलोमीटर का उससे जो है उसके उलट जो है ये पता लगा कि ये तो बहुत ही मजबूत और एक मजबूत इरादे वाला व्यक्ति है ये सारा मामला शुरू हुआ सात फरवरी को जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी के रिश्ते के बारे में उनसे पूछा कि आपका उनका रिश्ता क्या है आप कितनी बार विदेश गए उनके साथ और जिस कंट्री में गए वहां पर आपको कंट्रैक्ट मिला नहीं मिला आप उनके साथ एयरप्लेन पल, पल, में बैठकर कितनी बार गए आप वहां और ये भी पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वगैरह इन प्रदेश इन देशों में जाकर सिफारिश जो की गई कि इनको एनर्जी में रोड्स में माइंस में इन सब चीज जो डिफरेंट कंट्रैक्ट्स हैं रोड्स हैं ऑयल है एनर्जी है, है इनमें इन जो कंट्रैक्ट मिले उसके लिए आप लोगों ने सिफारिश करी या ना करी इसके बारे में वो जवाब चाह रहे थे लेकिन जो है जो भी उन्होंने बात कही वो एक्सपंज कर दी और वो जो बातें पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टू थर्ड ऑफ दी जो आपकी स्पीच है उसको एक्सपंज कर दे ये टोटली एक लोकतांत्रिक था और उन्होंने विदेश में जाके क्या कहा था यही तो कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है आप बताइए देश का एक गृह मंत्री ये कह दे कि भाई जो उपद्रवी है उनको उल्टा लटका लटका दूंगा यानी कि आप जुडिशरी का भी काम करने लग जाएंगे क्या आप ये कह सकते हो कि हम सलाखों के पीछे करेंगे और देखिए ये कोई गलत बात कह दें तो ठीक है अब जैसे उन्होंने बेट, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया अगर कोई और कह देता तो मेरे ख्याल से इस मामले का कोई कल जाकर जो है कोर्ट में चला जाए और इनके खिलाफ जो है एक केस डाल दे तो मेरा ये कहना कि मेन मुद्दा हमारा है ओबीसी के बारे में तो ये सात फरवरी को जब उन्होंने ये लोकसभा में मामला उठाया तो आपको बताऊंगा कि तेरह अप्रैल दो को राहुल गांधी जी ने कोलार में एक भाषण दिया था और 16 अप्रैल को वहां के एक विधायक थे पुरनेश मोदी जिन्होंने सूरत में शिकायत कर दी और 7 मार्च को शिकायतकर्ता अपने ही केस पे और जो कि स्टे ले लेता है स्टे क्यों लेता है क्योंकि उसको लगता है कि जिस कोर्ट में मैंने ये केस डाल रखा है वहां पर उसको जो है जो जो फायदा मिलना चाहिए था जो वर्डिक्ट मिलना चाहिए था उसके मुताबिक नहीं हो रहा है इसलिए उसने स्टे वापिस ले लिया कभी हमने तो इतिहास में सुना नहीं कभी कि आप अपने केस को वापिस ले लें उसके बाद जो है जब सात फरवरी को राहुल जी ने ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई जिसकी भूमिका मैंने बनाई थी उसको लेकर जब ये बात करते हो सोलह फरवरी को वो स्टे अपना वापस ले लेता है और देखिए सत्रह फरवरी को ट्रायल शुरू हो जाता है इतना तेज तरार वर्डिक्ट आना और तेईस मार्च को राहुल गांधी जी को दोषी ठहराकर जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है दो साल की मान हानि की वो उनके ऊपर जो है डाल दी जाती है उसके पीछे एक षड्यंत्र था कि उनकी जो है सजसता खत्म करना चाहते थे उनकी जो है वो चाहते थे कि ना तो वो पार्लियामेंट के बाहर बोल सके मशाल यात्रा बाहर लेके जाए तो वहां रोक देते हैं अगर आप पार्लियामेंट में जाए तो वहां रोक देते हैं प्रेजिडेंट के पास जाए तो वहां रोक देते हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सब काम किया गया उसके बाद जो है 24 मार्च को उनकी जो है सजस्यता जो है स्पीकर साहब समाप्त कर देते हैं जबकि एक महीने का समय था तो मेरा ये कहना है कि इनका ये कहना साहब जो है ओबीसी को जो है राहुल गांधी जी ने आ, वहां पर जो है मोदी और ओबीसी को गाली देकर कर्नाटक कोलार में ये बात आपने कही तो मैं पूछना चाहता हूं क्या नीरव मोदी ललित मोदी क्या बैकवर्ड क्लास से हैं अगर वो बैकवर्ड क्लास से नहीं है तो ये तो अपमान हमारा हो रहा है बैकवर्ड क्लास वालों का कि हमें आप बता रहे हैं कि ये तो उल्टा जो है चोर कोताल तो पकड़ने की बात है यानी कि आप इसका मतलब ये है कि मोदी एक टाइटल है और मैं कहता हूं कि आदमी कर्म से कर्म से होना चाहिए ओबीसी के लिए इस सरकार ने पिछले नौ साल में कोई भी ऐसा काम किया हो मैं आपको बता सकता हूं हमारी जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ तब रिजर्वेशन के बारे में बातचीत शुरू हुई के बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पंडित नेहरू जी ने ओबीसी कमीशन 1953 में उसको Конституशनल राइट दिया और पहली बार ओबीसी को 1977 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में जब उनको रिजर्वेशन का हक दिया गया उचित तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडल कमीशन के बारे में बहुत धारणाएं लोगों की है कि वीपी सिंह जी ने उसको लागू किया वीपी सिंह जी तो ने केवल घोषणा की थी लेकिन जो गोलवर्कर के जो फॉलोअर्स हैं जिसमें मोदी जी भी जो हैं गोलवर्कर के फॉलोअर हैं जो बात करते हैं कि आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं उन लोगों ने वीपी सिंह की सरकार गिराई और वो उस कानून को लागू नहीं कर पाए उसके बाद चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट आई उसके बाद 91 में जब नरसिम्हा राव जी आए तो 92 के अंदर जो है ये तमाम यूनियन गॉर्ड जॉब्स के अंदर और ये पॉलिसी जो है रोल आउट की गई और 27 परसेंट आरक्षण जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू किया ये लोग जो हैं हमेशा कोई कहता साहब ये तो वीपी सिंह ने बीपी सिंह ने जब किया जब दंगे हुए थे और दंगे करने वाले ये लोग थे आर के लोग थे जो जो है शोभा यात्रा निकालते हैं एक दिन ही चार दिन निकालते हैं आप रामनवमी की एक दिन निकाल सकते हैं आप चार दिन निकालते हैं और हाथ में भाले होते हैं हाथ में तलवार होती है हाथ में आपके जो है वेपन होते हैं और आप फिर आप कहते हैं कि हम तो वही शांति प्रिय आदमी है तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो है कोई काम नहीं किया जो काम वीपी सिंह जी करना करना चाहते थे उसको अगर लागू किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया 1992 में उसके बाद डॉक्टर अपने हमारे अर्जुन सिंह जी थे हमारे शिक्षा मंत्री थे एचआरडी मिनिस्टर थे 2006 के अंदर जो 27 रिजर्वेशन दिया हायर एजुकेशन के ऊपर 2006 में वो भी यूपीए गवर्नमेंट ने दिया तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की बात करते हैं आप आपका मखौटा जो है वो ओबीसी का है लेकिन ओबीसी के लिए आप काम नहीं करते हैं। आप बात करना चाहते हैं ओबीसी की बात करते हैं आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया क्रीमी लेयर जो है मंडल कमीशन में कभी भी क्रिमी लेयर के बारे में कभी कोई जिक्र की बात नहीं थी लेकिन हरियाणा में तो छह लाख है और देश में आठ लाख है आज जो है एक चपरासी की जो तनख्वाह है वो पचास हजार रुपये अगर है तो वो एक चपरासी का बच्चा भी जो है उसमें इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी डाल दी उसमें छह लाख में हरियाणा में तो ये हाल हो गया आठ लाख में तो हमारा ये मानना है कि सरकार जो है ओबीसी के लिए केवल चेहरे तो रख देती है उनके हाथ में पावर नहीं है पार्लियामेंट्री बोर्ड में ओबीसी के लोग भी इन्होंने डाल दिए लेकिन उनके पास ताकत नहीं सारी ताकत केवल दो व्यक्तियों के हाथ में है और यूपीए सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में ये हमने कास्ट सेंसस हमने किया था लेकिन आपको जानकर बड़ा इस बात से लेकर बड़ी ही मुझे कहना चाहूंगा इन्होंने उस सेंसस जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसको आज तक पब्लिश नहीं किया उसको उजागर नहीं किया मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस 2011 के कास्ट सेंसस को आप उजागर करें अगर आप उजागर नहीं कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे उसके पीछे मंशा क्या है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारी पंचायती राज के अंदर हमारा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में अन्य जगह जो है हमारी जो है पंचायती राज के अंदर हमारा आरक्षण खत्म किया गया तो उसका कारण क्या था क्योंकि डाटा नहीं था जब तक आप डाटा आपके पास नहीं होगा तो ये आपको बातें नहीं मिलेंगी अभी आप अगर आप देखेंगे ओबीसी जो कमीशन बना रखा है ये इन्होंने चौदह महीने हो गए उसमें केवल एक चेयरमैन है उनका नाम है हंसराज अहिर बाकी उसमें कोई व्यक्ति नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर आप लगा लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि मार्च 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण था क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ इसलिए जो आरक्षण था हायर एजुकेशन में वो समाप्त कर दिया तो उसके ऊपर भी कांग्रेस गवर्नमेंट का का मत ये है जो प्राइमरी सेशन में हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आएंगे और हायर एजुकेशन में हम लोग जो है आरक्षण देंगे तो ये जो मामला है आपका इन्होंने जो है ओबीसी कमीशन जो इन्होंने बना रखा है वो किस नाम के लिए बना रखा है जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं जब आपके मेंबर्स आपके पास नहीं है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कार्रवाई फिर मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात यह है अभी हमारा प्लेनरी सेशन हुआ था अभी हमारा प्लेनरी सेशन हुआ रायपुर के अंदर जिसमें कुछ चंद बिंदु हैं मैं आपके केवल दस मिनट और लूंगा मैं उसमें यह है कि उस प्लेनरी सेशन में ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर 2024 में आती है या उसका उद्देश्य या गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगी कि सेंसस करवाएं ताकि आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है जो उनकी जो डाटा है उनका उनके बारे में पता लगे पॉपुलेशन कितनी है आफ्टर ऑल जो है ये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट डाटा मांग रहे कहते डाटा नहीं है। ये देते हैं डाटा उसमें में 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 में, में जबकि हमारा सत्ताईस परसेंट बनता है तो मैं कहता हूं कि भी आपको दो में कास्ट सेंसस करना चाहिए था तो आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हम का सेंसस करवाएंगे 2024 तो में जो जो भी स्वरूप होगा कांग्रेस जो है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं आज एक धुरी बन रही है कांग्रेस पार्टी दूसरा एक हमारा इंटरनल मैटर है पार्टी का एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगी जिसमें एस टी ओबीसी माइनोरिटी के लोग होंगे और वो कांग्रेस प्रेजिडेंट को समय समय पर कौन कौन सी आपको स्कीम्स आने चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ एसटी ओबीसी माइनोरिटी इन सबके लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगा दूसरा जो है आप देखेंगे कि ओबीसी ओबीसी कोई डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे OBC का डिपार्टमेंट बनाओ। और हमारे प्लानिंग सेशन में यह हमने फैसला लिया है कि जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जैसे हमारा महाराष्ट्र में हमारी ओबीसी डिपार्टमेंट है अशोक गहलोत जी से मेरी बात हुई थी वो कहते हैं मैं भी ओबीसी डिपार्टमेंट बनाऊंगा

विधानसभा और आपके इसमें लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर थर्टी परसेंट जो माइनॉरिटी आरक्षण है हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि आप थर्टी थ्री परसेंट में एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का भी हिस्सा होना चाहिए उसमें केवल जनरल के लोग नहीं होंगे, जिस अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उसी अनुपात में एसटी ओबीसी जिसके ऊपर मुलायम सिंह जी हैं लाल लालू, लालू प्रसाद यादव हैं डीएम के है बहुत कि जो सब लोग ये चाह रहे थे कि ओबीसी एस टी के लोग आने चाहिए तो हमने अपना स्टैंड बदला है हम चाह रहे हैं कि अब उसके अंदर जो है इनकी भी भागीदारी हो इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा आ, क्रीमी लेयर है जो हमारा क्रिमी लेयर है इसके बारे में हम चाहेंगे कि इसकी लिमिट कम से कम 12 लाख की जाए ताकि जो है लोग इसमें जो ओबीसी की जो क्रिमी लेयर है जॉब्स और इसमें रिजर्वेशन के लिए अन्य बातों में और एक हमने जो प्राइवेट हायर एजुकेशन है उसके बारे में हम जो नाइन्टी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास हुआ था बाय यूपी गवर्नमेंट और बाद में जो उसके ऊपर स्टे दे दिया था देखिए स्टे देने के बाद हम चाहेंगे उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आए दोबारा से और ये सरकार अमेंडमेंट लेके आए ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है उनको आरक्षण मिले देखिए सबसे बड़ी बात यह है ईडब्ल्यू नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने ये आदेश दिया था कि 50 परसेंट की लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे 50 परसेंट में आपका आरक्षण रहेगा एस टी ओबीसी माइनोरिटी इनका लेकिन ईडब्ल्यू जब लागू किया वो फाइव बेंच ने किया उसको और रूल करके और टेन परसेंट आरक्षण दे दिया तो सिक्सटी परसेंट हो गया झारखंड में और छत्तीसगढ़ के अंदर ये कहते हैं हैं हम हैं हम हम ओबीसी ओबीसी के और लोग को गाली देते तो अब ये बताइए कि जो गवर्नर है उसने किसके आदेशों के ऊपर जो झारखंड ने और छत्तीसगढ़ ने सत्ताईस परसेंट आरक्षण वहां जो ओबीसी के लिए किया है उसको छह महीने से क्यों लिए बैठे अपने पास मेरा जो है प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कहे कि आप गवर्नर को आप बात करिए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे कि वहां पर जो आप आरक्षण लागू करिए और आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो अपने आप को मामा बोलते हैं वहां के मैं मामा हूँ ओबीसी के तो मामा कहा रहे सत्ताईस परसेंट घटा के चौदह चौदह परसेंट कर दिया भैया जब टेन परसेंट जब आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी आपने अब कोई लिमिट थोड़ी ना है अब तो जब आपने एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक डिसीजन दे दिया सिक्सटी परसेंट हो गया हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ईडब्ल्यू में भी हम एस टी ओबीसी माइनरिटी को भी हम जगह देंगे ये हमारी पार्टी का ये सैद्धांतिक रूप में ये बात को माना है। इसके अलावा जो हमारा रिजर्वेशन है पंचायती राज पंचायती राज के अंदर वो जो है पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दिया जा रहा और मेरा ये मानना है कि बजाय इसके ये लोग जो हैं इनका एक काम रह गया बस ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबो करना छापे लगवाना किसके यहाँ जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं चाहे वो हमारे अखिलेश जी हो चाहे भूपेश बघेल जी हो या अशोक गहलोत जी हो जो हमारे जो सीएम हैं स्टालिन हैं आपके केसीआर की जो बेटी है कविता उसके खिलाफ जो है आपके कि इन्होंने आपके वीरभद्र सिंह जी के बारे में आपको मैं बड़ी बात है। उनकी बेटी की शादी और जिस दिन शादी हो रही है अब जो है मेरी पुत्रव को भी नोटिस थमा दिया क्योंकि वो लालू जी की जो है बेटी है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की भी और जब उनको नोटिस का हमने जवाब दिया कि जिस कंपनी में आप उनका नाम बता रहे हैं वहां नाम ही नहीं है उनका ना उनकी कोई उसमें मेंबरशिप है तो उसके बाद तो मेरा कहने का मकसद ये कि इन लोगों ने सारी सीमाएं जो मानवता की जो सीमाएं उनको लांगे हैं और इनका मकसद केवल एक ही है तो अब जो इनकी पार्टी में आ जाए वो धुल जाता है कुलदीप बिश्नोई धुल गया है आपका ये जो नारायण राणे वो धुल गया सुमेंद्र अधिकारी धुल गया हेमंत बिश्वा सरना जो चीफ मिनिस्टर है वो धुल गए मुकुल रॉय धुल गए इसी तरीके दिगंबर कामत ज्योतिराज सिंधिया हार्दिक पटेल ये सब धुल गए वॉशिंग मशीन है इनके पास तो जो भी इनका जो स्ट्रेस है कि किस तरीके से जो रीजनल लीडर है चाहे वो हमारे कांग्रेस में हो विपक्ष में हो जो ओबीसी के नेताओं पे मैक्सिमम केस ये बना रहे हैं ये मैंने कहना था अब मैं सुनी जी से विनती करूंगा कि वो भी अपनी बात कहें मैं पिछड़े विभाग के चेयरमैन सर कैप्टन अजय यादव जी को धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर बड़े भाई विनीत पुनिया जी बैठे हैं हमारे बीच में उनका भी धन्यवाद करती हूँ आज हमारा देश जिस स्थिति में है उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट कप्तान साहब ने बता दिया है जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं और आगे क्या रहने वाली हैं अस्सी फीसदी आबादी हमारे देश की पिछड़े समाज से आती है उसमें से हम एक है एक ऐसी अस्सी फीसदी आबादी जो पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए सक्षम है और आज जो केंद्र में बैठी सरकार बार बार हर टर्म में चाहे वो 2014 हो 2019 हो अब आने वाले समय में भी जिस तरह से ओबीसी का कार्ड खेलती है उनका इस इन नीतियों से पर्दाफाश हो चुका है आज हम देख रहे हैं कि गैर ओबीसी वर्गों को स्वर्ण वर्गों को ओबीसी बनाया जा रहा है उनको ओबीसी का सर्फ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए विचलित करने के लिए राहुल गांधी जी को डराने के लिए पर उनको क्या लगता है कि हमारे नेता डर जाएंगे वो किस बात से परेशान है अपनी नाकामियों से उनकी नाकामियां उनकी नाकामियां जो नोटबंदी में हमने देखी जीएसटी में हमने देखी फार्म लॉज में हमने देखी जितनी भी उनकी नाकामियां हैं सीधा सीधा असर पिछड़ी जातियों पर पड़ा है क्योंकि जो किसान है वो संपन्न नहीं होता है वो हम जैसी पिछड़ी जातियों से ही होता है जो छोटे व्यापारी हैं वो भी पिछड़े वर्ग के होते हैं सीधी सीधी चोट मारी गई है इस सरकार द्वारा आज जब हम यहाँ बैठते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से देश में हम लोकतंत्र बचाने की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं बीजेपी के लोग विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ओबीसी का, का कार्ड खेल देती है क्या है ये ओबीसी का, का कार्ड ये ओबीसी का, का कार्ड उसी तरह है जैसे कप्तान साहब ने भी बताया कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सब लोग धुल जाते हैं उसी तरह इनके पास एक कार्ड है जो ये दिखाते हैं और किसी को भी रातों रात किसी भी बिरादरी का बना देते हैं अगर इस देश के चोर पिछड़े समाज से आते हैं तो हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने वाली बात है ये समाज ऐसा है जो जमीन पर काम करता है ये समाज ऐसा है जो घर में अनाज पहुंचाता है पालन पोषण करता है आज आप यहां पर कहते हैं कि ओबीसी को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है क्या बदनाम किया है भाई आप अजब बात करते हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा ना कि इस देश का पैसा कहां जा रहा है सच्चाई की बात उन्होंने सदन में उठाने का काम किया तो आप क्या उनकी सच्चाई को दबाने के लिए यहां पर फिर से पिछड़े की पिछड़े वर्ग का सेंटिमेंट दिखाकर क्या चाहते हैं कि 2024 में आपको जीत मिल जाए पर ऐसा नहीं होगा हमारा समाज अब जागरूक है समझ रहा है कि किस तरह से खेल खेला गया है उसके साथ इस शासन में 2014 से आप देखिए जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे पिछड़े समाज को फायदा मिला है मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि बत्तीस दशमलव अट्ठावन लाख भारत सरकार के कर्मचारियों में केवल सात लाख ओबीसी हैं, केवल सात लाख और उसमें भी ताजुब की बात यह है कि छह दशमलव चार लाख समूह में आपने उनको भी नीचे और पिछड़ा कर दिया सी वर्ग के समूह में डाल दिया भारत सरकार में नवासी नवासी केंद्र सचिव हैं जिसमें से शून्य शून्य पिछड़े समाज से आते हैं जिस देश का राजा अपने आप को सर्टिफाइड ओबीसी कहता है उसके केंद्र में शून्य ओबीसी समाज से नेतृत्व है पिछले पांच वर्षों में कितने हैं आई, आई पी एस आई एफ एस सरकार सार्वजनिक करना चाहेगी उनमें से कितने पिछड़े समाज से थे कितने दलित थे बीजेपी सरकार का हमेशा से ही दोहरा चरित्र रहा है ड्यूअल पर्सनालिटी चाहे वो जातिगत जनगणना में हो चाहे वो किसी भी तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने में हो आज आप देख रहे हैं कि देश में सारी पार्टियां 19 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं और वो डिमांड कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो इस चीज से क्यों डर रही है सरकार क्या डर है क्या उनका कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा क्या देश की जो भिन्न भिन्न जातियां वो एक्सपोज हो जाएंगी किस बात का डर है केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच का साथ दिया है सच्चाई से सवाल पूछने का काम किया है हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट एक दलित है हमारे पार्टी के शासन में पूरे देश में दो मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं बाकी जो दो अन्य राज्य हैं जहां पे हमारी गठबंधन की सरकार है वहां पे भी पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री हैं। और आप यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है पिछड़े समाज का आपके शासन में कितने पिछड़े समाज के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप उसका हिसाब दीजिए क्यों बार बार आपकी सर आपकी पार्टी ने यह काम किया है कि जब जब पिछड़ों की मांग उठाई गई पिछड़ों के विकास की बात की गई आपने अपना सरकार से समर्थन वापस ले लिया है पूरे देश में यात्रा निकाली गई थी कमलडल लेकर किसके खिलाफ निकाली गई थी पिछड़ों के खिलाफ निकाली गई थी और आज आप पिछड़ों के हितेशी बन रहे हैं हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या सच बोलने की कीमत यही है कि आप हमारे समाज को भी बदनाम करें राहुल गांधी जी को सदन से बाहर निकालकर आपको क्या लगता है कि वो सच बोलना छोड़ देंगे, उठानी छोड़ देंगे? हमारे नेता किसी से नहीं डरते हैं इस सरकार के पास पांच कारण है इस सरकार के पास पांच कारण थे कि उन्होंने क्यों इस तरह का ओबीसी कार्ड खेला और इस तरीके की जो राहुल गांधी जी को रातों रात सदन से बाहर निकालने का काम किया उसके पांच कारण है वो उनके फेलियर है जीएसटी चीनी घुसबैठ जिस तरह से चाइना हमारे बॉर्डर में घुसे जा रहा है कोई उसकी बात करता तो वो राहुल गांधी जी थी और हमारी पार्टी थी अडानी घोटाला और भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस और तीन काले कानून जो किसान के लिए बनाए गए थे ये असली मुद्दे ये हैं पर उसको भटकाने के लिए और भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आज ओबीसी का कार्ड खेला जा रहा है और इसका हम खंडन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच